हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कुछ और इजी टिप्स जिससे आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद का घर बनाने के लिए अच्छी जगह बहुत इजीली मिल जाए, तो आपको 21 संकष्ट चतुर्थी का उपवास रखना चाहिए और उसके साथ साथ 21 मंगलवार तक ब्रह्मचर्य का पालन करके कड़क व्रत करना चाहिए। हर संकष्ट चतुर्थी को और मंगलवार के दिन गणेश जी को लाल जासवंत का यानी हिबिस्कस का फूल अर्पण करें और उसके साथ साथ 21 दुर्वा भी चढ़ाएं और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। पहली संकष्ट चतुर्थी को जब आप व्रत करेंगे तब एक जासवंत का फूल उन्हें चढ़ाएंगे, दूसरी चतुर्थी को दूसरा। इस तरीके से जब आपकी 21 चतुर्थी कंप्लीट हो जाएगी तब तक गणेश जी को आपको 21 फ्लावर्स अर्पित करने हैं। अगर ये व्रत आप रेगुलर करते हैं, संकल्प पूर्वक करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी हर रोज़ या फिर एटलीस्ट चतुर्थी के दिन और मंगलवार के दिन करते हैं, तो आपको नई जगह घर के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। वास्तु के देवता माने गए हैं गणेश जी और हनुमान जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नई वास्तु यानी अपना खुद का नया घर जल्द से जल्द खरीद पाए, तो इसके लिए आपको भगवान गणेश जी की और इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे ही जुड़ा एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका होम लोन जल्दी से जल्दी पास हो जाए, तो कर्ज मिलने के लिए हर मंगलवार को अप्रोक्सीमेट 1 कटोरी लाल मसूर की दाल और 150 ग्राम गुड़ आपको लाल गाय को खिलाना है और ये बहुत श्रद्धापूर्वक और नियम से करना है हर मंगलवार को। अगर आप ये उपाय करेंगे, लाल मसूर की दाल और गुड़ का भोग गाय को लगाएंगे, तो आपको घर का लोन पास होने में आसानी होगी। घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप एक ग्लास में गंगा जल या फिर तुलसी जी का पानी या फिर गौमूत्र ले और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और ऐसे पानी से अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी आसानी से बाहर जाने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप हींग के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हींग का पानी या गौमूत्र रेगुलरली घर में छिड़कते हैं तो घर में नेगेटिविटी का वास नहीं रहेगा। जो लोग नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि किसी को अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर किसी को अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में यानी जॉब में अगर कुलीग्स परेशान कर रहे हैं या फिर बॉस से कोई तकलीफ़ हो रही है या फिर आप जैसा मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के ईस्ट साइड में यानी पूर्व दिशा में आपको रवि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी नियमित रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो इससे आप देखेंगे कि जॉब में और समाज में आपकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। घर की आग्नेय दिशा यानी धन संपत्ति की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे, तो घर के आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट में आपको एक क्रिस्टल ट्री रखना चाहिए। यानी एक क्रिस्टल से छोटे छोटे जेमस्टोन से बना हुआ ट्री रहता है। ये आर्टिफिशियल ट्री अगर आप अपने साउथ ईस्ट एरिया में रखते हैं तो इससे भी आप देखेंगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी। फिनिक्स बर्ड को फेंग शुई में सफलता, दूरदृष्टि और शौर्य का कारक माना गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी काम में सक्सेसफुल हो, तो घर के साउथ कॉर्नर में फिनिक्स बर्ड की इमेज को आपको रेड थ्रेड से यानी लाल धागे से हैंग करके रखना चाहिए। मेन डोर से आपके ड्राइंग रूम में एंटर करते वक्त अगर आपके राइट हैंड साइड में आप 6 रॉड्स वाली विंड चाइम रखते हैं, तो फेंग शुई में इसे एक सुख सौभाग्य का कारक माना गया है। ये मेरी कुछ रेमेडीज थी जो मुझे यकीन है कि आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।